हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट की रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। जब आपको ये वीडियो मिल रही होगी तो उस समय आप अकाउंट्स का पेपर देके आए होगे, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। वो पेपर कैसा गया है, कैसा नहीं गया है, किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है और सीधा सीधा अपने पेपर की तैयारी में लग जाना है, जो कि सीए फाउंडेशन लॉ का जो आपको परसों पेपर होगा। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी चीजों पर डिस्कशन करने वाले होंगे, देखिए आप। पहली चीज, हमारा रिविजन शेड्यूल क्या होना चाहिए, मतलब कब कौन सी डेट से हमें रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा एग्जाम पैटर्न। तो किसी भी पेपर को देने से पहले सभी बच्चों के लिए, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं सीए फाउंडेशन का, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में जो पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें क्वेश्चन नंबर कौन से एक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, वो सब फिक्स होता है। तो कभी भी पेपर आपको सरप्राइज या शॉक में ना डाले, इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न देख के जाना है, ताकि अगर कुछ बच्चे जिनका पूरा नहीं हो पा रहा है सिलेबस, तो कौन सा एक्ट अगर वो छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। तीसरा है इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि बस इंपॉर्टेंट सेक्शन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो हर एक एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन निकाले गए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दूसरा कौन सा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का। ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप एक्ट का है, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यकीन मानिएगा जैसे ही पेपर होगा आप मान के चलिएगा कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको यहीं से मिलेंगे, जो भी मैं पीडीएफ यहाँ से शेयर करूंगा। ये कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर आगे नेक्स्ट और क्या बात कर रहे होंगे, और हम बात करेंगे फ्री नोट्स के बारे में। फ्री नोट्स का मतलब ये है कि वैसे तो एग्जाम के समय पे आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है कि हम आंसर कितना लिखें, कैसे लिखें। तो उसके लिए आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ स्पेसिफिक नोट्स जो कि स्टडी मैट ओरिएंटेड है बिल्कुल, और उसके कुछ क्वेश्चन बैंक का मतलब यह है कि एक एक्ट की काफी सारी केस स्टडीज पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन बैंक दिख रहा हो, इसमें 70 प्लस आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस को आप यहां से करके चले जाएंगे अगर केस स्टडीज को, तो जनरली इससे बाहर आपको केस स्टडी नहीं मिलेगी। जैसे क्वेश्चन बैंक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, वैसे ही ये कंपनीज एक्ट के नोट्स हैं, और इस कंपनीज एक्ट का भी आपके पास क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वाले पीडीएफ के अंदर नीचे मिल जाएंगे। जो चीज नहीं मिलेगी उसके लिए भी बताऊंगा आपको कि उसके लिए कैसे रीच आउट करना है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख रहे होंगे, और कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर। अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन तो सर पता चल जाएगा, क्या इसके अलावा भी कुछ है? तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो में लिंक में नीचे मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन जो भी यहां पर पीडीएफ शेयर किया जाएगा आपसे, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, किस चीज का, वीडियो सॉल्यूशन का। तो आप उस पर जाके क्लिक करिए और एक एक केस स्टडी को गो थ्रू करके देख लीजिए कि इसके आंसर में किस तरीके से लिखना होगा। वहां पर सारी चीजें हर एक एक्ट की समझाई जा रही होंगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। तो हमने कौन कौन सी चीजों पर बात कर ली, रिविजन शेड्यूल पर बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पे, इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, फ्री नोट्स और फ्री लेक्चर्स। फ्री लेक्चर्स के अंदर इनकेस अगर आपका कोई एक्ट छूट गया है, या कोई किसी एक्ट के अंदर कोई टॉपिक छूट गया है, या फिर कुछ टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का जो टॉपिक है सेक्शन 19 वाला, अगर वो किसी को मुश्किल लग रहा है, कोई भी किसी भी एक्ट का कोई भी टॉपिक अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं एक नंबर शेयर करूंगा थोड़ी देर में, उस वाले नंबर पर आप मैसेज करके वो टॉपिक आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद एक चीज पर बात करेंगे हम, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पेपर का, क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉ के साथ साथ आपका बीसीआर भी, तो आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जिन बच्चों का लॉ स्ट्रांग होता है उनका बीसीआर छूट जाता है, और जिन बच्चों का बीसीआर स्ट्रांग है उनका लॉ छूट जाता है। तो आपको फिक्स टाइम कर लेना है कि किस पे कितना टाइम देना है, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपको वीडियो को। अगर आपका जो कंटेंट है वीडियो का अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। हम आते हैं सबसे पहले रिविजन शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए। सबसे ही पहले रिविजन शेड्यूल में आपको शॉक कर देगा कि सर आपने सबसे बड़ा एक्ट जो है पेपर वाले दिन ही उठा दिया, आज ही हम अकाउंट्स का पेपर देखे आए, तो आज पूरी रात में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने का रीजन साइकोलॉजिकल है। अगर आप कोई भी एक छोटा एक्ट आज स्टार्ट करेंगे तो पूरे दिन में आपको ये लगेगा कि मेरे 3-4 एक्ट बचे हुए हैं, और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 6 यूनिट है मान के चलिए, तो आज का मतलब ये नहीं कि आज पूरी ही 6 यूनिट उड़ा देंगे, लेकिन आप धीरे 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 जैसे बिल्डअप करेंगे, और जो स्टार्टिंग के 2 से लेकर 3 यूनिट है वो तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज वाली देती है। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें लगता है उतना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेंदी है नहीं। तो अगर आप 1 से 2 यूनिट को अगर छोड़ दीजिए जो कि लेंदी है, बाकी 4 यूनिट बिल्कुल सिंपल है, तो आप कोशिश करेंगे 24th ऑफ जून, जिस दिन आपका आज अकाउंट्स का पेपर है, उसी दिन आप इसको सॉल्व करके जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा पूरा रिवाइज कर लेंगे। इनकेस अगर कोई एक एक्ट या एक दो टॉपिक छूट गए तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगले दिन आप थोड़ा जल्दी भी उठ सकते हैं, हालांकि पेपर देके आते ही आप पढ़ाई अपनी शुरू कर देंगे।
नेक्स्ट मतलब कल का दिन मतलब संडे, संडे आप अपनी इफेक्टिवली पढ़ाई शुरू करेंगे 7 बजे से। जो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ने वाले हैं वो आज जल्दी सो जाएंगे अकाउंट्स के पेपर देने के बाद 10 बजे जितने भी बजे, और 4 बजे उठ के पढ़ेंगे वो 7 बजे से पहले अपना किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर लेंगे। जो रात में पढ़ने वाले हैं उनका भी अगर कुछ छूट जाए तो वो भी 7 बजे से पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो दिन होगा आपका कौन सा वाला, संडे वाला, तो आप उस पढ़ाई को इस तरीके से स्टार्ट करिएगा। कोई ना कोई साइकोलॉजिकल चीजें लगा के मैंने ये बनाया है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक एक्ट को रिवाइज करने के लिए कितना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए वो मैंने इसके अंदर लिख दिया, आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। फिर जो एग्जाम वाला दिन होगा उसमें कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े। आपने कहीं से वीडियो देखी कि ये वाला टॉपिक नया है, वो वाला टॉपिक, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट था वो हो चुका है खत्म। अगर आपने पेपर से पहले ये नहीं किया तो आपको एंड में कोई नया टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है उन सेक्शंस को मार्क आउट करके एक बार प्रोविजंस को रिवाइज करके तब आप जाइएगा एग्जाम वाले दिन। तो ये हमने बात कर ली है रिवीजन शेड्यूल क्या होना चाहिए, रिवीजन पैटर्न क्या हो जाना चाहिए। फिर आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में आपको एक चीज हाईलाइटेड दिख रही होगी जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दिख रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले रिवाइज करा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, हमेशा कंपनी एक्ट से आएगा और हमेशा सेल्स ऑफ गुड एक्ट से आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये 3 एक्ट्स कंपल्सरीली रिवाइज करने पड़ेंगे और ये 3 एक्ट्स आपको कंपल्सरीली आते होंगे। अगर इन एक्ट्स में से आपको कोई भी एक्ट नहीं आता है तो 4 नंबर का कंफर्म पेपर छूटने ही वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है वो कंपल्सरी होता है। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं वो चीज ध्यान रखें कि पहले वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते आप, वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, बाकियों में से छोड़ने का आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी सेकंड क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एलएलपी का, तो ये सामने आपको दिख रहा है, आप देख ही रहे होंगे, फटाफट से मैं बता देता हूं, बाकी आप चेक कर लेंगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे। हर एक एक्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उतना भी करके चले जाएंगे तो आपको काफी सारा पेपर इसके अंदर से मिल जाएगा और आप कह सकते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको बाहर नहीं मिलेगा यहां पर पेपर के अंदर। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको वो वाले क्वेश्चंस भी आप ध्यान से करके जाइएगा, उनसे भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रखिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने कुछ सेक्शंस लिखे हैं, सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसमें से जो मैंने ये सेक्शन फ्री कंसेंट का लिखा है, ध्यान रखिएगा इसमें से पेपर में जरूर आता है, बड़ी बड़ी यूनिट है इसकी। माइनर वाला टॉपिक हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, तो माइनर वाला टॉपिक आप ढंग से करके जाएंगे। नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स डिक्लेयर टू बी वर्ड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर इसका पार्ट बन के आता है। तो ये सारी चीजें आप जो भी सेक्शन इसके अंदर लिखे हैं आप वो वाले टॉपिक जरूर करके जाएंगे। फिर से मैं बता दूं, अगर इनमें से कोई भी सेक्शन किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है या आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मैसेज करेंगे जहां मैं बताऊंगा, तो वहां पर आपको इसके लेक्चर्स फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये सेल्स ऑफ प्रोडक्ट के कुछ सेक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, जिसमें से कंडीशन एंड वारंटी, इंप्लाइड कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन, अनपेड सेलर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये वाला जो टॉपिक है ये सभी बच्चों को दिक्कत करता होगा जैसा कि मैं अज्यूम करता हूं। तो जिस भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड भी वो लेक्चर मेरे से ले सकता है, ये जरूर जरूर आपके एग्जाम में किसी ना किसी पॉइंट में, स्पेशली कौन से गुड्स के लिए, अनअसर्टेन गुड्स के लिए और उसकी अप्रोप्रिएशन को लेकर जो रूल्स बनाए गए हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यह है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक के अंदर ये आता है। तो कितना लिखना है, कितना शॉर्ट में लिखना है और एग्जांपल्स वगैरह कोट नहीं करने होते जब तक आपसे पूछा ना जाए, तो आपको टू द पॉइंट कितना लिखना है वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। जो सेक्शन नंबर 23 आपको दिख रहा होगा अनअसर्टेन गुड्स, ये वाला टॉपिक है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से करके जाएंगे। फिर आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे, उसमें उसके बाद राइट ऑफ लियन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, रीसेल है, ऑक्शन सेल है, ये सारी चीजें आप करके जाएंगे। टॉपिक वाइज मैंने इंपॉर्टेंट यहां पर लिख दिए, पहले सेक्शन वाइज टॉपिक्स जो है और जो अदर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक टॉपिक में मैंने पहले ही स्टार लगाया हुआ है जो है ट्रांसफर बाय नॉन ओनर, मतलब अगर आपका जो ओनर नहीं है वो भी ट्रांसफर कर सकता है गुड्स को, चाहे वो एजेंट का केस ले लो, ज्वाइंट ओनर का केस ले लो, तो इसमें काफी सारे केसेस है वो यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट आएगा आपका वो है पार्टनरशिप एक्ट, इसमें मैंने देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से 19, 28, 30, 33 जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। कंसीक्वेंसेस क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के, ये एग्जामिनर रिपीटेड मोड पे काफी टाइम से पूछा जा रहा है। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर भी काफी टाइम से पूछा जा रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और डिसोल्यूशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, और आज तक जितने भी एग्जाम आए हैं उसमें उन्होंने विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट पूछा है या विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट पूछा है, तो मान लीजिए आपको दोनों ही पढ़ के जाने हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। इसमें बाकी टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, कंसीक्वेंसेस क्या है, नोटिस का मतलब क्या है, नोटिस की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जनरली नोटिस से भी क्वेश्चन आता है कि डेथ वगैरह के केस में कब नोटिस देने की जरूरत है, कब नोटिस देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट के केस में जरूरत है या नहीं। फिर आते हैं हम कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में देखिए आप सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, दोनों डॉक्ट्राइंस पढ़ के जाएंगे, लिफ्टिंग पढ़ के जाएंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ के जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी में भी एग्जामिनर में मैंने इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है कि स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और डॉर्मेंट। अगर आप इतनी कंपनीज भी पढ़ के चले जाएंगे जो यहां पर लिखी हुई, हालांकि निधि वगैरह भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उसकी रीडिंग करके जा सकते हैं। अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन अगर फंसाना चाहे तो वो इन वाले टॉपिक से इन क्वेश्चन को फंसा सकता है। ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट। फिर नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कुछ कुछ चीजें मिल रही होंगी, और जो चीजें नहीं मिलेंगी वो कहां से लेनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए
अभी जो मैंने ये पीडीएफ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका आपको जो पीडीएफ है जो रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने ऊपर लिखी है और ये सारे टॉपिक जिसमें डिस्कस किए हैं वो लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं, एक ही बार में ओपन हो जाएगा बस क्लिक करके। उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स हैं सभी एक्स के, पूरे एक्स को रिवाइज कराने के रिवीजन लेक्चर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रिवीजन लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मैराथन यानी कि फ्री में जो आपको मिलने वाला है, जो सॉल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, तो खाली मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड नहीं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन भी वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल रहे होंगे, तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना कि उनके लिए भी हेल्प हो सकती है। उसके बाद अगर आपको चाहिए, जो मैं बता रहा था कि जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है, अगर आपको किसी टॉपिक के कुछ नोट्स चाहिए या फिर किसी टॉपिक के कुछ लेक्चर्स चाहिए या किसी भी तरीके का कोई डाउट है आपको पेपर से लेके कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या कुछ और परेशानी आ रही है पेपर से रिलेटेड, तो आप अभी एग्जाम वाले डेट तक के लिए यानी कि 26th of June दोपहर 2 बजे तक ये नंबर आपके लिए ऑपरेटिव रहेगा, तो आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कितना भी अर्जेंट हो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है और अपना नाम बताना है, उसके साथ साथ आप लिखेंगे CA फाउंडेशन और उसके बाद आप लिखेंगे स्टेट जहाँ से आप हैं। ये तीन चीज़ें अगर आपके मैसेज में होंगी तो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स मिल जाएगा और वो अर्लीस्ट मिलेगा जितना जल्दी पॉसिबल होगा जब तक एग्जाम चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली बात। तो हम आते हैं वापस और क्या क्या डिस्कस करने वाले थे। तो मैंने आपको बता दिया फ्री नोट्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया फ्री लेक्चर्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन मेथड में। अब आ गए हैं आखिरी पॉइंट क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, इस पर आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास होंगे। पहले तरीके के स्टूडेंट जो हैं वो ये स्टूडेंट है जिनका जो इंग्लिश पार्ट है वो स्ट्रांग है, जो कि जनरली होता है ऐसा कि बच्चों का इंग्लिश पार्ट स्ट्रांग होता है। दूसरे तरीके के बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लॉ पार्ट स्ट्रांग है, इंग्लिश वाला पार्ट वीक है। हालांकि तीसरी कैटेगरी भी है कि जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी उनकी लॉ तो स्ट्रांग होगी ही, ऐसा माना तो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है उनके कम मार्क्स आने के चांसेस होते हैं लॉ में, क्योंकि वो वर्ड्स को अपने तरीके से लिखना चाहते हैं और जो जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उन्हें पता है कि सामने जो लिखा हुआ है मुझे वो याद करके लिखना है, अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करके नहीं लिखना है। तो ध्यान रखिएगा दोनों बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी। तो जो बच्चों जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है और जो BCR को पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं वो क्या करें, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके मान के चलिएगा एग्जाम में ये 3 घंटे हैं, मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये टोटल मिला के यहां से यहां तक मान लीजिए 3 घंटे, 3 आवर्स, ठीक है। आप इस वाले पार्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहां वाले पार्ट में आपका अगर BCR स्ट्रांग है तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे 15 मिनट बस इतने घंटे लगा के आपको BCR को सॉल्व करना है। जैसे ही BCR आपका 1 घंटे 15 मिनट आप दे दो, उसके बाद आप अगले पूरे के पूरे मान लीजिए 1.5 घंटे आप देंगे किसको, आप पूरे के पूरे 1.5 घंटे देंगे लॉ। तो अब टोटल मिला के कितना टाइम हो गया है आपका, तो 1 घंटा यहां पर हो गया, 2-2.5 घंटे अब बचे हैं लास्ट में 15 मिनट। जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं इसे एग्जाम में जरूर फॉलो करिएगा, जितना आपको बेस्ट आता होगा वो आप पहले ही कर चुके होंगे। लास्ट के 15 मिनट्स में, मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि सर अगर मैं कोई टॉपिक कर रहा हूं तो क्या छोड़ दो आंसर इज यस, वो कंप्लीट होते ही छोड़ दीजिए। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले 1 घंटे 15 मिनट में आपको जितनी भी BCR आती है उसी कंप्लीट कर दीजिए, जितनी आपको बेस्ट तरीके से आती होगी वो आप स्टार्टिंग में कर चुके होंगे। दूसरा, जैसे ही आप लॉ स्टार्ट करोगे, अगर आपको लॉ नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, तो अलग मैटर, जितनी आती है करके छोड़ दोगे। अगर आपको लॉ आती है तो आपको कम से कम 1.5 घंटे उसके अंदर लगाने ही लगाने हैं, वो उस केस में बता रहा हूं मैं आपको जिस केस में इंग्लिश स्ट्रांग है आपकी। लास्ट में आपके पास फिर भी आपको 15 मिनट मिल जाएंगे, 15 मिनट में आप चाहे तो अगर कोई टॉपिक यहां से आता है तो वो भी कर सकते हैं, मतलब अगर BCR से कोई टॉपिक आता है आपको और वो रह जाए तो वो भी कर सकते हैं, और दूसरे वाले केस में लॉ वाले पार्ट में अगर आपको कोई टॉपिक आता है वो इसमें कवर नहीं हो तो लास्ट के 15 मिनट में आप वो भी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी लॉ पॉइंट स्ट्रांग है, और लॉ आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, जिनका वीक है वो आगे जाके परेशानी फेस करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, लॉ के अंदर मैंने फिर से कहा ये 3 घंटे का पेपर है, लेकिन अब इस वेस में क्या होगा, जिनका लॉ स्ट्रांग है वो सारी चीजें स्टार्टिंग में लिख रहे होंगे, जरा ध्यान से सुनिए, वो सेक्शन भी लिखेंगे, वो केस लॉ भी लिखेंगे, वो सारी चीजें लिखेंगे। तो उस केस में आपको 2 घंटे कम से कम लगाने हैं लॉ के अंदर, इन्वेस्ट करने हैं कम से कम। अगर 2 घंटे के अंदर आपका 60 नंबर का पेपर नहीं होता है, 55 नंबर का ही हो पाया है, 52 नंबर का, 58 नंबर, कितने भी मार्क्स का हो पाया, आप यहीं पर पेन डाउन कर देंगे, इसका मतलब यहीं पर लॉ लिखना बंद कर देंगे, और कम से कम 1 घंटा कम से कम मिनिमम है। ये उन बच्चों की प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिन बच्चों को लॉ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है और वो 2.5 घंटे तक सिर्फ लॉ ही लिखते रहते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो BCR है उसमें फ्री के मार्क्स होते हैं, और फ्री के मार्क्स आप तब ले पाएंगे जब आप उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है जितनी भी आपको लॉ आती है फटाफट 2 घंटे के अंदर फिनिश कर लीजिए, लास्ट का पूरा 1 घंटा आप दीजिए किसको, BCR को। अगर आपको लगता है जितना BCR मैंने कर लिया है बस इनफ है,
तो आप लास्ट के 15 मिनट अपने लिए बचा भी सकते हैं ताकि आप लॉ वाले टॉपिक्स को लास्ट में दोबारा से लगा सके। ये कम से कम आपको 2 घंटे लॉ में देने ही पड़ेंगे, खाली अटेम्प्ट नहीं करना होता, पूरा आंसर बताना होता उन बच्चों के लिए है। तो वॉच वगैरह लेके जाइएगा पेपर के अंदर, और इसी जो टेक्निक मैंने आपको बताई है बेस्ड अपॉन कि आपका कौन सा वाला पार्ट स्ट्रांग है, इसी बेस के ऊपर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इन अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको जैसे बीसीआर वाले पार्ट में कुछ एमसीक्यूज आते हैं, तो क्या उन एमसीक्यूज को छोड़ना चाहिए? आंसर इज नो। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर आई दूसरी बात, सर लॉ की केस स्टडी है और लॉ की केस स्टडी में समझ नहीं आ रहा कि कंक्लूजन यस लिखे नो लिखे, केस स्टडी आ गई है अब समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए कि केस स्टडी आ गई है, ना मुझे कंक्लूजन पता ना मुझे प्रोविजन पता, क्या कर सकते? हाँ, उससे रिलेटेड प्रोविजन पता है, कौन सी यूनिट से है ये पता है, लेकिन मुझे यस नो नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कंक्लूजन को सबसे पहले ना लिखे। एट बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सेक्शन नहीं पता होता, आप लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जिस भी एक्ट की बात की जा रही है आप उसमें प्रोविजन वाली बात थोड़ी सी बताइए। फिर इन द गिवन केस को 3 से 4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिए और फिर अपना कंक्लूजन लिखिए। तो इनकेस मान लीजिए अगर आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसकी कंटेंशन राइट है या रॉन्ग है, तो मान लीजिए आपने लिख दिया राइट और कंटेंशन थी रॉन्ग, लेकिन आपका 2 पार्ट जरूर चेक होगा, जो आपने स्टार्टिंग में प्रोविजन लिखा है और जो आपने लिखा है इन द गिवन केस, ये जरूर चेक होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने लास्ट में लिखा है क्या चीज, लास्ट में लिखा है आपने कंक्लूजन। तो अगर आपने कंक्लूजन लिखा है लास्ट में, बिल्कुल थर्ड वाले पॉइंट पे कंक्लूजन लिखा है, तो आपके कंक्लूजन के मार्क्स कटेंगे, प्रोविजन और इन द गिवन केस के मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर यही बच्चा पहले लिख दे कंक्लूजन, कि उसने पहले लिख दिया है कंक्लूजन, उसके बाद वो समझा रहा है प्रोविजन और उसके बाद समझा रहा है इन द गिवन केस, इस केस में आपका एग्जामिनर चांसेस है कि आपके आंसर को पढ़े ही ना, क्योंकि उसे पता है वो जो भी एक्सप्लेनेशन और प्रोविजन बता रहा हो वो गलती बता रहा हो कि उसके कंसेप्ट थोड़े से हिले हुए हैं। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कंक्लूजन देने से रिफ्रेन करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने पेपर के लिए डिस्कस की हैं, इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए, देखिए इस सारी चीजों पर हम बात कर चुके हैं, हमें रिवीजन शेड्यूल पता चल चुका है, हमें एग्जाम पैटर्न पता चल चुका है, हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन पता चल चुके हैं, हमें फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे, लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन का मैराथन कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें आपको नीचे मिलेंगे, और हाउ टू अटेम्प्ट पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारी सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजी। जो बच्चे नवंबर 2023 पेपर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी जरा ध्यान से सुनिए कि इसी स्ट्रैटेजी को आप आगे भी फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से क्लासेस लेनी है, कैसे कोर्स को जल्दी खत्म करना है, लॉ के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो वो भी बच्चे इस वाली पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और अपने पेपर तक के लिए रखें कि किस तरीके से आंसर्स को आपको लेना है। तो हम आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल लगी होंगी, अगर लगी हो तो जरूर लाइक वगैरह जो भी करते हैं यूट्यूब के अंदर वो आप कर दीजिएगा। पेपर से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिएगी वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि पेपर से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए परसों तक, सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, इंटर वाले बच्चे अपने डाउट्स ना पूछे, जो कि इंटर वाले बच्चे हैं अभी के लिए, मतलब जो बाहर वाले बच्चे हैं वो ना पूछे, अभी फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ऑपरेटिव रहने दीजिए नंबर को। और ये वाली चीज हम आपको जो अगला पेपर, अभी जैसे मान लीजिए परसों आपका पेपर आएगा लॉ का, तो जब लॉ का पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इस वाली जो पीडीएफ से आपको लिंक कराऊंगी, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बताए थे, क्या उसमें से पेपर आया या नहीं आया, क्या एग्जाम पैटर्न जो इंस्टीट्यूट है वो फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर।